भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले आओ पहले पाओ, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पहले आओ पहले पाओ सस्ता सबसे अच्छा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बना दिया 250 वाट, 250 वाट का मशीन में आज तक किसी का पंखा नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने पंखा लगा दिया, बिल्कुल ठंडा रहेगा, ओवरलोड नहीं लेगा। ये तो पंखा लगाया, बिल्कुल हवा दे रहा मस्त, और इसमें बैटरी में कर दिया, जो मैं 24 घंटा बैटरी में चलाऊ आपका 24 वोल्ट का। आपने फ्यूज लगा दिया, प्रीसेट लगा दिया, यानी कि ऐसे सिस्टम सीकोन का सिस्टम आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बना पाया, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बना दिया। जो भाई लेडीज हो चाहे आदमी हो चाहे बच्चे हो, कोई भी लगा के चला सकता है। और ये टर्मिनल भी लगा दिया हूँ, टर्मिनल भी आज तक किसी ने नहीं लगाया 250 वाट में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने टर्मिनल भी लगाया, चोंगा चलाने के लिए हमने पत्ती लगा दिया, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सारा खूबी सेट का अंदर रख दिया कि किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो, 250 वाट चलते रहेगा। हम तो यही कहते हैं, कब तक रूठेगी चिल्लाएगी हसीना मान जाएगी, वही वाली बात है। हिंदुस्तान कब तक भागेगा JBL के पीछे या कोई कंपनी के पीछे या कोई अरे कंपनी में, लेकिन आखिर आएगा भारत किंग के पास ही। क्योंकि भारत किंग बिल्कुल किफायती रेट है और सस्ता रेट है, इतना सस्ता रेट किसी के पास नहीं मिलेगा, भारत किंग के पास ही मिलेगा। बढ़िया चीज है, बढ़िया सामान है, और कॉपर का ट्रांसफॉर्मर लगा रखा हूँ। और दूसरी नंबर इसमें 10 MOSFET है, दुनिया 4 लगाता है, 3 लगाता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक 10 MOSFET लगा। इसलिए जो भाई बड़े बड़े सामान चलाता है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, फिर चर्च में हो, सब जगह में चलने की शक्ति है, चलने की क्षमता है। और दो इसमें हमने इको भी लगा रखा हूँ भाई, 2 इको लगा, जो भाई सबको इको का सपना होता है और इको चलाने का ख्वाहिश भी होता है कि जो भाई इको चले हल्लो हल्लो हल्लो, तो हल्लो हल्लो बोलते रहेगा ये और चलते रहेगा ये। और 4 माइक में नॉर्मल है जो आप सुन सकते हो, इसमें करेक्ट सिस्टम है, गाना या भजन लगा दो और इसमें दोनों सिस्टम एक साथ में चल सकता है। और इसमें ब्लूटूथ है, पैन ड्राइव है, वॉक्स है और बोल मीटर भी है, किसी ने भी नहीं लगा पाया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में ये भी सुविधा कर दिया, जो बोल मीटर लगा है, जो कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है तो देख लेगा कितना वोल्टेज आया कितना वोल्टेज नहीं आया, और वो इसी देख के चला लेगा मशीन को। हमने LED लगाया, प्रीसेट लगा, ओवरलोड लगा, यानी कि इसमें एक एक खूबी एक एक चीज हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाया, तभी इसको मैंने पास किया कि जो भाई अब पूरे हिंदुस्तान को कहो कब तक रूठेगी चिल्लाएगी हसीना मानेगी। हसीना बिल्कुल मानेगा, पूरे हिंदुस्तान भी मानेगा कि कभी JBL फिर कोई बाहर की कंपनी के पीछे भागता है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यही कहता है जब भारत कंपनी के पीछे भागो, देश का पैसा देश में रहेगा और देश के आदमी काम करेगा, देश की उन्नति होगी, और बाहर का सामान लोगे तो देश का बर्बादी होगी। यही कहते हैं हम लोग, जो पक्का हिंदुस्तानी है तो भारत किंग के सामान खरीदो और मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा में चर्च में लगाओ, तब आपको पता चलेगा कि कोई भी कहेगा जो वाकई में भाई हिंदुस्तानी सामान लगा रखा है, हिंदुस्तान ने अच्छा काम किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 0 जान से लगा हुआ है, जो भारत बाहर की कंपनी को भगाए और हिंदुस्तान का कंपनी को चलाए, जो हमारे लोगों के पास काम नहीं है, गरीब आदमी परेशान है, तो गरीब आदमी को हम यदि 100 आदमी को काम दिया तो बहुत बड़ी बात है। इसी तरह सब कोई सोचेगा जो भाई हिंदुस्तान का सामान बिके और हिंदुस्तान में ही सामान बने, तो हम लोग सब कोई काम करेंगे, कोई भूखा नहीं मरेगा। हम लोग आप लोग कहते हैं ज्यादा बच्चा पैदा करने से काम नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ जो काम होगा नहीं तो एक आदमी के लिए भी काम नहीं मिलेगा। तो अब 100 और 50 की बातें छोड़ो भाई, 250 वाट एम्पलीफायर पंखा वाला है और बैटरी वाला भी है, और सिर्फ 8,000 रुपए इसका रेट है, 8,000 रुपए रेट है आपका। बीके ताज और भारत किंग जो वेबसाइट में है वो जाए और ये खरीद सकता है, कैश ऑन डिलीवरी भी और बिना कैश ऑन डिलीवरी, और आपको डिलीवरी चार्ज अलग से लगेगा। ये भी कहना है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़िया एम्पलीफायर आया, भारी और वजनदार, आप लोग कहना कीजिए भाई भारत किंग के सामान खरीदो, किसी का नहीं खरीदो। जय भारत, भारत जिंदाबाद। 250 वाट मशीन में सारे खूबी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पहला बहुत सस्ता सबसे अच्छा, बहुत ही खुशी की बात है। प्ले स्टोर में बीके ताज आ गया, प्ले स्टोर में बीके ताज आ गया। बीके ताज लोड करने वाले को 10 आदमी लोड करेगा, 1 रेडियो फ्री मिलेगा। और खुशी की बात है, जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, उसको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा ये रेडियो। आप लोग किसी का भी घर में हो, कोई भी हो, यहाँ पे आ सकता है, रेडियो इनाम में पा सकता है। जो भी प्ले स्टोर में कमाई होता है या हमारा यूट्यूब चैनल में, तो मैं उसको 1 रेडियो फ्री देता हूँ, जिस तरह अपाइज है। बहुत ही खुशी की बात है, जो आप लोग प्ले स्टोर में आ गया बीके ताज लोड करे और अपना दुआ पाए। दुआ मिलने वालों को भी सलाम, और जो प्ले स्टोर में लोड करेगा बीके ताज को उसको भी सलाम करता हूँ। अब पूरे देश को सबसे पहले सलाम करता हूँ मैं, जो बीके ताज आ गया प्ले स्टोर में और उसको लोड करे, जिस भाई को ये हम देंगे फ्री में ये रेडियो, वो भाई आपको दुआ मिलेगा, आपका दुआ मिलेंगे।
हम लोग एक फकीर आदमी को पैसा देते हैं, सोचते हैं कि दुआ मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, वो हमारा काम है, आपका काम है। मेरे पास यदि थोड़ा सा भी पैसा आता है तो ये 700 रुपए का रेडियो मैं मुफ्त देता हूँ, और कोई भी भाई बहन हो इस तरह का परेशानी में तो रेडियो मेरे से ले जा सकता है, और ले जाएंगे तो मेरे को भी दुआ मिलेगा, और जो प्ले स्टोर लोड करता है पीके ताज को उसको भी दुआ मिलेंगे। बहुत ही खुशी की बात है, आप लोग प्ले स्टोर लोड करना ना भूले और बीके ताज को लोड करना ना भूले। प्ले स्टोर में बीके ताज आ गया, सबसे पहले उसको लोड करो, और किसी गरीब को जाएगा तो आपको दुआ ही मिलेगा। जय भारत भारत की जिंदाबाद। और आप लोग ध्यान से सुने, ये रेडियो किसी भी भाई को मिलेगा, 10 आदमी लोड कर लेंगे, और मेरे को साबित करेगा 10 आदमी को लोड करके, मैं साबित कर दिया तो आपको एक रेडियो जरूर मुफ्त मिलेगा। जय भारत भारत की जिंदाबाद। प्ले स्टोर में बीके ताज आ गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पहले सस्ता सबसे अच्छा। मेरी बात आज ध्यान सुनना मेरे भाई, पूरे हिंदुस्तान में यही कहना चाहता हूँ और सबको भाई को मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी हाल में किसी भी अकाउंट में पैसे मत डालना जब तक इस गरीब चेहरा को ना देखे। आप लोग फंस जाते हो किसी के जाल में और पैसे डाल देते हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई गलती नहीं है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ जो मेरे वीडियो को देखते रहे, लेकिन सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी अकाउंट में पैसे मत डालना जब तक दिल्ली आओ, मेरे सामान चेक करो, सामने देखो क्या सामान दिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने, तब पैसे दो। अन्यथा इससे पहले पैसा मत दो। कभी भी कहता हूँ मैं जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पहले पैसे नहीं मांगता कभी भी जीवन में, या पैसे डाल दो। आज तक पैसे किसी को नहीं लिया, लेकिन आपका कीमती पैसे, गरीब आदमी के पैसे, मेहनत का पैसे आप बेफिजूल में कहीं मत डालो। कोई भी मेरे नाम लेके पैसे मंगवा लेगा तो मेरी गारंटी नहीं है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट होगा। आप इस साबित कर दोगे तो आपका प्रूफ मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ पैसे मत डालना, चाहे कोई भी हो दुनिया में। आपका पैसा है, आपका खाते में अच्छा लगता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आओ, सामान दूंगा और आपको साथ ही भिजवा दूंगा। पुलिस वाला भी आपका सुनेगा नहीं, इसलिए उसके पास प्रूफ नहीं होता। आप लोग डीजे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डालो लोकेशन में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा हमारे दिल्ली में, उत्तम नगर विकास नगर में है, मुरली समाचार के पास। यही कहना चाहता हूँ, आप लोग जरूर आए और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में सामान लेके जाएं।